पंचकुला में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को 19 साल बाद फैसला सुनाया। नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज। डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुरमीत राम रहीम सिंह का नाम तो जानते ही होंगे आप। जी हाँ, वही राम रहीम जिसे 2017 में यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। पर इस गुनाह के पीछे और भी कई गुनाह दबे हुए हैं, ये नहीं पता था। बताया जा रहा है कि राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रंजीत सिंह, जिनकी हत्या 10 जुलाई 2002 को कर दी गई थी, राम रहीम सिंह के डेरा सच्चा सौदा के पूर्व समर्थक थे। पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह, जो इस समुदाय के अनुयायी भी थे, कि उनकी 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक गुमनाम पत्र के प्रसार में उनकी संदिग्ध भूमिका के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे पता चला कि कैसे डेरा प्रमुख द्वारा महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार डेरा प्रमुख का मानना था कि गुमनाम पत्र के प्रसार के पीछे रंजीत सिंह का हाथ था और उसने उसे मारने की साजिश रची। पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने 8 अक्टूबर को राम रहीम सिंह और चार सह आरोपियों को भारतीय दंड सहित आरपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था। इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई अदालत से पंजाब हरियाणा या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में किसी अन्य सीबीआई अदालत में मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह द्वारा दायर याचिका 24 अगस्त से लंबित थी। इस साल सितंबर में पंजाब पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में क्लीन चिट देने की खबरों का खंडन किया था। बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की बीर की चोरी से संबंधित एक मामले में उन्हें एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। 2019 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और तीन अन्य को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जिन्होंने अपने आश्रम में राम रहीम सिंह द्वारा महिलाओं का यौन शोषण के बारे में एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया था। वर्तमान में स्वयंभू बाबा रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी दो महिला शिष्यों के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे हैं। उन्हें अगस्त 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने बलात्कार के लिए दोषी ठहराया था। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हिमकॉम न्यूज़। धन्यवाद।